हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ कोआगुलेशन की। सो मैकेनिज्म ऑफ कोआगुलेशन को ही हम एक और वर्ड से जानते हैं जिसका नाम है हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस मीन्स क्या होता है कि इट इज़ द फास्ट सीरीज ऑफ रिएक्शन फॉर स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। तो जैसे किसी भी हमारे ऑर्गन पे या बॉडी के पार्ट पे जब इंजरी होती है, इंजरी होने की वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो वो ब्लीडिंग जो है ऑटोमेटिकली कुछ देर बाद जो है स्टॉप हो जाती है। तो ये जो ब्लीडिंग होने के बाद स्टॉप जो होती है ब्लीडिंग, इसके बीच में एक मैकेनिज्म होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस जो है सिंपली ब्लीडिंग को स्टॉप करने में जो सीरीज ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्व रहती है उसी को हम बोलते हैं हीमोस्टेसिस। अब ये हीमोस्टेसिस में रिक्वायर्ड क्या क्या होता है, तो इसमें जो है आपको क्लॉटिंग फैक्टर लगेंगे और कुछ सब्सटेंसेस लगेंगे जो कि प्लेटलेट और इंजर्ड टिश्यू जो है वो रिलीज करते हैं। हीमोस्टेसिस तीन स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप है वेस्कुलर स्पाज, सेकेंड स्टेप है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और थर्ड स्टेप है कोआगुलेशन, मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप वेस्कुलर स्पाज, मतलब समझ लेते हैं वेस्कुलर। वेस्कुलर जो वर्ड है वो आपका आया है ब्लड वेसल से, ये ब्लड वेसल। ओके, और स्पाज मींस होता है कंस्ट्रिक्शन। तो ब्लड वेसल के कंस्ट्रिक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर स्पाज बोलते हैं। तो वेसो कंस्ट्रिक्शन किसका, ऑफ डैमेज्ड ब्लड वेसल। जैसे मान लीजिए कि ये इस टाइप से आपका ये फिंगर है ना, पाम है, और यहाँ पर अगर किसी टाइप से इंजरी हुई है तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल रहेगी उसी ब्लड वेसल का वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा, जिसके कारण क्या होता है कि ब्लीडिंग थोड़ी स्टॉप हो जाती है क्योंकि वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक आपकी ब्लड वेसल है इस टाइप से, करेक्ट, तो इसमें जो है इंजरी हुई। इंजरी हुई मीन्स इन द सेंस क्या हुआ कि यहाँ पे किसी टाइप से डैमेज हुआ और यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। तो कुछ देर बाद क्या होगा कि ये वाला जो इंजर्ड एरिया है, ये जो ओपनिंग है, ये थोड़ी सी इसका जो साइज है वो कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द वेसो कंस्ट्रिक्शन, की जो ब्लड वेसल है वो इस टाइप से इन दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा और ये जो ओपनिंग है ये छोटा हो जाएगा, जिसके कारण जो ब्लीडिंग का जो रूट है, जो पाथ है, वो थोड़ा सा ओपनिंग जो है वो नैरो हो जाएगी, जिससे ब्लीडिंग जो है थोड़ी बहुत स्टॉप हो जाती है। अब ये जो वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है ये ट्रिगर कैसे होता है, डायरेक्ट इंजरी टू वेस्कुलर स्मूथ मसल, क्योंकि वेस्कुलर स्मूथ मसल, ये जो ब्लड वेसल की जो मसल है वो कौन सी है, वेस्कुलर स्मूथ मसल है। तो इसमें इंजरी होने के बाद डायरेक्टली ये वेसो कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट कर देती है, साथ में केमिकल्स रिलीज बाय एंडोथेलियल सेल एंड प्लेटलेट्स। अब ये जो ब्लड वेसल है ये बनी है आपकी एंडोथेलियल सेल से, ये एंडोथेलियल सेल, अब ब्लड वेसल में इंजरी हुई और सिंपल सी बात है कि आपकी एंडोथेलियल सेल में भी इंजरी हुई, तो एंडोथेलियल सेल्स जो है वो इंजर्ड होने के बाद कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि वेसो कंस्ट्रिक्शन कॉज करता है या फिर वेस्कुलर स्पाज कॉज करता है, और साथ में प्लेटलेट भी जो है कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जिसके कारण वेस्कुलर स्पाज्म होता है, और पेन रिफ्लेक्सेस के कारण भी वेस्कुलर स्पाज्म या फिर आप बोल सकते हो वेसो कंस्ट्रिक्शन जो है वो स्टार्ट होता है। ये जो वेस्कुलर स्पाज्म है, दिस इट इज मोस्ट इफेक्टिव इन स्मॉलर ब्लड वेसल, जो छोटी ब्लड वेसल्स होती है उसमें ये बहुत ज्यादा कमाल का काम करता है एज कम्पेयर टू द बिग ब्लड वेसल। बड़ी जो ब्लड वेसल होती है उसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना इफेक्टिव ये स्मॉलर ब्लड वेसल में होता है। फिर सेकंड जो स्टेप है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। अब प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन क्या होता है, इट इज ए पॉजिटिव फीडबैक साइकिल, डैमेज एंडोथेलियम एक्सपोज कोलाजेन फाइबर। अब देखिए हम इसको एक डायग्राम थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे बनाता हूं मैं, ये है आपकी ब्लड वेसल, तो ये एंडोथेलियम सेल है इस टाइप से, ये एंडोथेलियम सेल की लेयर है जो कि आपके ब्लड वेसल में होती है,
ये इस टाइप से। ओके, अब मान लीजिए कि यहां पर इंजुरी हुई, यहां पर इंजुरी होने के बाद क्या होगा कि ये जो एरिया है एंडोथेलियम सेल का ये डैमेज्ड हो गया। अब ये एंडोथेलियम सेल के बीच में ना ऐसे कोलाजिन फाइबर्स होते हैं। अब ये एंडोथेलियम एरिया जो है ये डैमेज्ड हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा कि कोलाजिन फाइबर जो है वो एक्सपोज हो जाएंगे। ये जो इस एरिया के जो कोलाजिन फाइबर है ये एक्सपोज हो जाएंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में हमको कुछ इस टाइप से दिखेगा। ये डैमेज्ड एंडोथेलियम सेल होगी, है ना, और नीचे में आपकी नॉर्मल एंडोथेलियम सेल रहेगी इस टाइप से, है ना। तो यहाँ पर एंडोथेलियम सेल डैमेज हुई, साथ में यहाँ पे जो कोलाजेन फाइबर रहेंगे वो भी इस टाइप से एक्सपोज हो जाएंगे। अब जैसे ही कोलाजेन फाइबर एक्सपोज होंगे, क्योंकि ब्लड वेसल की वॉल में जो है आपकी एंडोथेलियम सेल रहेगी प्लस कोलाजेन फाइबर भी रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्लेटलेट स्टिक टू द कोलाजेन फाइबर वाया प्लाज्मा प्रोटीन वॉन विलरब्रांड फैक्टर। अब ये जो एक्सपोज आपका कोलाजेन है ये क्या करेगा कि देखिए, ये जो एक्सपोज कोलाजेन है तो यहाँ पर जो सर्कुलेटिंग प्लेटलेट्स रहेंगे, ये सर्कुलेटिंग प्लेटलेट्स जो है ये जाकर आपके कोलाजेन फाइबर को जाके अटैच होना स्टार्ट होंगे इस टाइप से। यहाँ पर ये अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे प्लेटलेट्स, ठीक है। लेकिन ये प्लेटलेट को यहाँ अटैच करने का काम, स्टिक करने का काम एक प्रोटीन करता है जिसका नाम है वॉन विलरब्रांड फैक्टर, ठीक है। आफ्टर स्टिकिंग, तो थोड़ी देर बाद जब यहाँ पे इस टाइप से जो है आपका, इसको मैं कट कर देता हूँ, ये है ना, ये यहाँ पर प्लेटलेट जो है वो स्टिक हो गए, चिपक गए, उसके बाद क्या होगा कि प्लेटलेट जो है वो स्वेल होना स्टार्ट हो जाएंगे इस टाइप से, धीरे धीरे वो स्वेल होना स्टार्ट हो जाएंगे। स्वेल होने के बाद क्या होगा कि वो जो है थोड़े से स्टिकी हो जाएंगे, स्पाइक्ड हो जाएंगे, मतलब जो स्ट्रक्चर है प्लेटलेट का वो चेंज हो जाता है, और उस चेंज की वजह से उसमें से कुछ केमिकल्स निकलते हैं। अब केमिकल्स कौन सा निकलता है, तो प्लेटलेट के अंदर से एडीपी रिलीज होता है। एडीपी क्या करता है, इट कॉजेज मोर प्लेटलेट टू स्टिक एंड रिलीज देयर कंटेंट। ये सर्कुलेटिंग जो प्लेटलेट्स होते हैं उसको एडीपी और यहाँ पे स्टिक करवाता है, और ये जो नए प्लेटलेट्स यहाँ पे अटैच हो रहे हैं, स्टिक हो रहे हैं, उनके अंदर के जो केमिकल्स है वो भी रिलीज होना स्टार्ट होते हैं। साथ साथ में सेरोटोनिन और थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है वो भी वेस्कुलर स्पाज्म और साथ में प्लेटलेट एग्रीगेशन को, मतलब एग्रीगेशन मतलब कि जमा होना, तो वेस्कुलर स्पाज्म और प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी इंक्रीज करते हैं सेरोटोनिन और थ्रोम्बोक्सिन A2। ये नॉर्मली आपके यहाँ पे ब्लड में पाए जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से जो प्लेटलेट है वो धीरे धीरे यहाँ पे जमा होने लगते हैं, एक टाइप का प्लग बनने लगता है। ये प्लग जो है इस टाइप से ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो यही सेकेंड स्टेप है जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप आती है जो कि कोआगुलेशन। अब कोआगुलेशन क्या है, तो रेनफोर्सेस प्लेटलेट प्लग विथ फाइब्रेंट थ्रेड। अब ये डैमेज्ड ब्लड वेसल में, है ना, इस टाइप से सेकेंड स्टेप में क्या हुआ कि यहाँ पर प्लेटलेट ने पूरा का पूरा इस टाइप से एक प्लग बना दिया। लेकिन प्लग तो बना दिया, प्लेटलेट जो है वो सिंगल सिंगल सेल है, तो ये जो प्लग बना है ये थोड़ा सा वीक होता है, उतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो इसको स्ट्रांग बनाने के लिए क्या करना है, इसको स्ट्रांग बनाने के लिए कोई तो भी एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इसमें एंटर करना होता है। अगर फाइबर्स इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे इस टाइप से, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। तो यही जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है वो और कुछ नहीं, वो है फाइब्रिन। तो कोआगुलेशन जो थर्ड स्टेप है उसमें सिर्फ इतना ही होता है कि फाइब्रिन जो कि फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है ये इस प्लेटलेट प्लग में इनकॉर्पोरेट होना स्टार्ट होता है। फॉर व्हाट, फॉर रेनफोर्सेस द प्लेटलेट प्लग, इस प्लेटलेट प्लग को और मजबूती देने के लिए इसमें जो है आपका फाइब्रिन थ्रेड जो है वो इनकॉर्पोरेट होना स्टार्ट होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ब्लड ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड टू जेल, जो ब्लड है वो लिक्विड टू जेल में कन्वर्ट होगा थर्ड स्टेप में। सीरीज ऑफ रिएक्शन यूजिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स,
अब ये जो फाइब्रिन जो बनने की प्रोसेस है, इसमें आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स का रोल रहता है। क्लॉटिंग फैक्टर्स आपने नाम सुने होंगे, है ना, 1 to 13, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स का रोल आपके कोआगुलेशन फेज में आता है। और इसमें विटामिन के भी रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि ये 13 में से 4 फैक्टर बनने के लिए विटामिन के की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस टाइप से ये कोआगुलेशन स्टेप स्टार्ट होती है। ये देखिए, ये डायग्राम थ्रू हम समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। इस टाइप से देखिए, ये स्टेप 1 में क्या हो रहा है। स्टेप 1 में वेस्कुलर स्पाज्म हो रहा है। बताया था मैंने कि वेस्कुलर स्पाज्म मतलब कि ब्लड वेसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ब्लीडिंग जो है ये डैमेज एरिया है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये ब्लैक वाले एरो है, ये क्या कर रहे हैं, वेसो कंस्ट्रिक्शन कर रहे हैं। ये वेसो कंस्ट्रिक्शन इंडिकेट कर, इस वजह से क्या हो रहा है कि ब्लीडिंग जो है वो थोड़ी सी स्लो हो गई है। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होगा कि प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होगा। तो इंजुरेटिव लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल एक्सपोजेस कोलाजेन फाइबर एंड प्लेटलेट। अब इसमें जो कोलाजेन फाइबर रहेंगे वो एक्सपोज होंगे, जिसकी वजह से प्लेटलेट जो है वो इस पे अधेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे। ये चिपके हुए जो प्लेटलेट रहेंगे उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा और केमिकल्स रिलीज होंगे। केमिकल्स कौन से, जैसे एडीपी। एडीपी रिलीज होगा प्लेटलेट में से, और वो क्या करेगा कि और जितने भी सर्कुलेटिंग प्लेटलेट्स है उनको वहां अटैच करवाना स्टार्ट करेगा, है ना, अधेयर कराना स्टार्ट करेगा। इस वजह से क्या होगा कि एक प्लग जैसा यहाँ पर प्लेटलेट का फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो प्लग बन रहा है ये उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। ये स्ट्रांग कब होगा, जब इसमें किसी टाइप का थ्रेड इनकॉर्पोरेट होगा। तो ये थ्रेड कौन सा रहेगा, ये थ्रेड रहेगा फाइब्रिन। तो स्टेप 3 में वही होता है कि कोआगुलेशन फाइब्रिन जो है, फाइब्रिन फॉर्म्स अ मेश दैट ट्रैप्स रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट फॉर्मिंग द क्लॉट। अब इसी में एरिया में यहाँ पर फाइब्रिन जो है वो इनकॉर्पोरेट होगा, जिसके कारण क्या होगा कि जो रेड ब्लड सेल्स है वो भी इसमें फंसने लगेगी, ट्रैप होने लगेगी, और साथ में प्लेटलेट भी ट्रैप होने लगेंगे, जो फाइनली क्या बनाते हैं, फाइनली बनाते हैं क्लॉट। तो ये एक्चुअली में आपका हीमोस्टेसिस जो मैकेनिज्म है ये 3 स्टेप में पूरा होता है। इसमें जो पहली 2 स्टेप है ये तो छोटी सी स्टेप है, बहुत इजी है, लेकिन जो ये 3rd स्टेप है ये अपने आप में बहुत बड़ी स्टेप है। तो कोआगुलेशन को हम डीप में देखेंगे अभी आगे। अब कोआगुलेशन क्या होता है, जो कि हीमोस्टेसिस की 3rd स्टेप है, ठीक है। तो कोआगुलेशन में 3 फेजेस इन्वॉल्व होते हैं। हीमोस्टेसिस में 3 स्टेप, तीसरी स्टेप जो कोआगुलेशन है उसके अंदर में तीन तीन फेजेस है। पहला जो फेज है वो क्या है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फॉर्मड इन बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। सेकेंड फेज क्या है, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्टेड टू एंजाइम थ्रोम्बिन। और 3rd स्टेप क्या है कि थ्रोम्बिन कैटालाइजेस द फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन कन्वर्जन। तो अपन एक एक करके ये तीनों फेजेस को देखेंगे। तो पहला हम फेज देखते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फॉर्मड इन बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब इसमें क्या है कि इसमें जो फर्स्ट फेज है उसमें क्या बनना है, उसमें बनना है आपका प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। लेकिन ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है ये आपका 2 रूट से बनता है। एक रूट है इसका नाम है इंट्रिंसिक पाथवे, और दूसरा जो है उसका नाम है एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब ये इंट्रिंसिक पाथवे क्या है, एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या है, और ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या है, इसको हम अब डीप में देखेंगे। तो अपन कोआगुलेशन का फर्स्ट फेज देख रहे हैं। तो कोआगुलेशन फेज फर्स्ट, 2 पाथवेज 2 प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, मैंने बताया था, है ना। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की जो फॉर्मेशन प्रोसेस है, इट इज इनिशिएटेड बाय आइदर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे। यूजुअली दोनों के दोनों से ये बनता है, ठीक है। ट्रिगर्ड बाय टिश्यू डैमेजिंग इवेंट। ये जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे है ये स्टार्ट होता है किससे, जब टिश्यू डैमेज होती है उसके बाद ये स्टार्ट होता है। ये बहुत सारे एंटी कोआगुलेंट्स, सॉरी क्लॉटिंग एजेंट्स को इन्वॉल्व करता है, जिसको हम बोलते हैं प्रो कोआगुलेंट्स। ईच पाथवे कैस्केड टूवर्ड्स फैक्टर एक्स। अब चाहे एक्सट्रिंसिक पाथवे फॉलो हो चाहे इंट्रिंसिक पाथवे फॉलो हो, वो पूरा कैस्केड जो है आपका फैक्टर एक्स बनाने का, मतलब सॉरी फैक्टर 10 बनाने का काम करता है, ठीक है। फैक्टर 10 जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाता है कैल्शियम के साथ, साथ में प्लेटलेट फैक्टर और फैक्टर 5 के साथ, जो कि फाइनली बनाते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर।
फेज वन में ही व्हाट इज इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे, जो अपन ने बोले थे कि फैक्टर 10 बन रहा है जिसमें, है ना। तो इंट्रिंसिक पाथवे क्या होता है, ट्रिगर्ड बाय नेगेटिवली चार्ज सरफेस एक्टिवेटेड प्लेटलेट कोलाजेन एंड ग्लास यूजेस फैक्टर्स प्रेजेंट विद इन द ब्लड। अब इसको इंट्रिंसिक पाथवे क्यों बोला गया है, क्योंकि ये जो पाथवे है जिसके थ्रू प्रोथर्मल एक्टिवेटर बनने वाला है, इसमें जो भी फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना, जो ये इंट्रिंसिक पाथवे फैक्टर यूज कर रहा है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है विद इन ब्लड, इसीलिए उसको क्या बोला गया है, इंट्रिंसिक पाथवे। वेयरएज एक्सट्रिंसिक पाथवे में जो है, जो फैक्टर ट्रिगर्ड करता है वो फैक्टर जो है टिश्यू के बाहर, सॉरी ब्लड के बाहर प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे बोलते हैं। तो जैसे एक्सट्रिंसिक पाथवे में लिखा ही है, ट्रिगर्ड बाय एक्सपोजर टू टिश्यू फैक्टर, देखिए टीएफ, टिश्यू फैक्टर से ये ट्रिगर्ड होता है, और फैक्टर थ्री जो कि एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, मतलब ये ब्लड के बाहर प्रेजेंट रहता है, ये जनरली नाम से इंडिकेट होता है कि ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ये होगा टिश्यू में प्रेजेंट। बायपासेस सेवरल स्टेप्स ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे सो फास्टर। अब जब हम स्पीड की बात करते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे के बीच में, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है ये फास्ट है, जबकि इंट्रिंसिक पाथवे जो है ये एक टाइप का स्लो पाथवे है, इसमें जो क्लॉट बनता है वो स्लो बनता है, इसमें जो क्लॉट बनता है वो फास्ट बनता है। अब फेज टू की बात करते हैं, फेज टू में पाथवे टू थ्रोम्बिन। तो फेज टू में क्या होना है, फेज टू में होना है कि प्रोथ्रोम्बिन से क्या बनना है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनना है, ये फेज टू है। अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कैटालाइजेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू एक्टिव एंजाइम एंजाइम थ्रोम्बिन, और ये जो थ्रोम्बिन है ये क्या है, एक एंजाइम, ठीक है। तो फेज वन में आपका बन गया प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या कर रहा है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को, ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फंक्शन क्या है, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर रहा है, और एक बार प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फॉर्म हो गया तो 10 से 15 सेकेंड में क्लॉट जो है वो बन जाता है। फेज थ्री में, फेज थ्री में कोएगुलेशन के फेज थ्री में क्या होता है, कॉमन पाथवे टू द फाइब्रिन मेश। अब ये फाइब्रिन का मेश बनना स्टार्ट होगा, मतलब एक वेब लाइक एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनने लगता है, जो कि ब्लड की क्लॉटिंग को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है, जो कि प्लेटलेट प्लग बना है उसको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। अब ये जो फेज टू में थ्रोम्बिन बना है, वो थ्रोम्बिन क्या करेगा कि सोलूबल फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। तो जैसे यहाँ पर ये आपका फाइब्रिनोजेन रहेगा, ये ब्लड में फ्रीली प्रेजेंट रहता है, ये कन्वर्ट होगा फाइब्रिन में, लेकिन इसके कन्वर्जन के लिए क्या रिक्वायर्ड है, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन कहाँ बना, ये हमारा फेज टू में बना है। तो इस टाइप से फाइब्रिन का फॉर्मेशन होता है। फाइब्रिन स्ट्रेंथ फॉर्म स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ क्लॉट, ये मैंने बताया था आपको। फाइब्रिन कॉजेस प्लाज्मा टू बिकम अ जेल लाइक ट्रैप फॉर फॉर्म्ड एलिमेंट। अब जो ये फाइब्रिन जो है वो क्या करता है कि एक ट्रैप बनाता है, एक जाल बनाता है, जिसमें कि रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट जो है वो ट्रैप होने लगते हैं और प्लग जो है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगता है। थ्रोम्बिन विथ कैल्शियम एक्टिवेट्स फैक्टर 13। फैक्टर 13 को एक्टिवेट करने का काम कौन करता है, थ्रोम्बिन, और उसके साथ में क्या रिक्वायर्ड होता है, कैल्शियम। ये दोनों मिलके जो है फैक्टर 13 को एक्टिवेट करते हैं, और फैक्टर 13 क्या करता है, क्रॉस लिंक करता है फाइब्रिन को और स्ट्रेंथ देता है क्लॉट को। अब ये क्रॉस लिंक वर्ड क्या है, तो जो फाइब्रिन बन रहा है वो फाइब्रिन इस टाइप से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं उसमें, लेकिन इस स्ट्रक्चर में किसी भी टाइप की स्ट्रेंथ नहीं है जब तक कि उसको इस टाइप से क्रॉस लिंक ना किया जाए। तो इस टाइप से क्रॉस लिंक करने का काम कौन करता है, फैक्टर 13 करता है, जिसके कारण क्लॉट जो है वो एकदम से स्ट्रांग हो जाता है। तो ये डायग्रामेटिकली समझाया हुआ है कि एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे कैसे इनिशिएट होता है और कैसे काम करता है, ठीक है। तो दोनों पाथवे को हम देखेंगे, तो ये हुआ आपका इंट्रिंसिक पाथवे, ये यहाँ पर एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे वेसल एंडोथेलियम रप्चर्स एक्सपोजिंग अंडरलाइन टिश्यू कोलाजेन। तो ये इनिशिएट कहाँ से हुआ, ये जब कोलाजेन एक्सपोज हुआ। और एक्सट्रिंसिक पाथवे कहाँ से इनिशिएट हो रहा है, टिश्यू सेल ट्रोमा एक्सपोजेस टू ब्लड। अब टिश्यू सेल जो है वो ब्लड को एक्सपोज होती है, जिसकी वजह से टिश्यू फैक्टर रिलीज होता है। तो ये जो फैक्टर है ये आउटसाइड ब्लड प्रेजेंट है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सट्रिंसिक पाथवे बोलेंगे, ठीक है।
और ये जो कोलाजेन एक्सपोज हुआ है उसकी वजह से क्या होगा, प्लेटलेट क्लिंग एंड देयर सरफेस प्रोवाइड साइट्स फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ फैक्टर। अब ये प्लेटलेट प्लग फॉर्म होगा इंट्रिंसिक पाथवे में ड्यू टू द वेस्कुलर एंडोथेलियम रप्चर, जो ब्लड वेसल की वॉल रहेगी वो रप्चर हुई है उसकी वजह से, उसके से क्या होगा कि फैक्टर 12 जो है वो एक्टिवेट होगा। ए लिखा है मतलब एक्टिवेटेड फॉर्म, तो फैक्टर 12 जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। अब ये फैक्टर 12 का जो एक्टिवेटेड फॉर्म है वो क्या कर रहा है, फैक्टर 11 को एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प कर रहा है, उसमें मेजर रोल प्ले कर रहा है। देन उसके बाद फैक्टर 11 जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म बना है वो क्या कर रहा है, फैक्टर 9 को एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प कर रहा है, साथ में कैल्शियम भी जो है उसमें मेजर रोल प्ले कर रहा है। अब इधर में एक्सट्रिंसिक पाथवे में टिश्यू फैक्टर क्या कर रहा है, टिश्यू फैक्टर डायरेक्टली जो है टीएफ मतलब यहाँ पर टिश्यू फैक्टर साथ में फैक्टर 7 का एक्टिवेटेड फॉर्म, ये दोनों जो है कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। अब फैक्टर 7 कहाँ पे इन्वॉल्व होगा, तो टिश्यू फैक्टर जो है वो कन्वर्ट होगा कॉम्प्लेक्स में, लेकिन उसमें फैक्टर 7 जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और इस कन्वर्जन में कैल्शियम जो है वो एक मेजर रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे बन गया आपका टिश्यू फैक्टर और फैक्टर 7A मतलब कि एक्टिवेटेड फॉर्म का कॉम्प्लेक्स, और यही जो 7A जो बनता है ये भी हेल्प करता है फैक्टर 9 को एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए। अब फैक्टर 9 का एक्टिवेटेड फॉर्म बन गया, वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा फैक्टर 8 के एक्टिवेटेड फॉर्म के साथ, ठीक है। तो ये जो PF3 जो मतलब प्लेटलेट फैक्टर जो है वो रिलीज होता है प्लेटलेट्स में से, वो हेल्प करता है फैक्टर 9 के एक्टिवेटेड फॉर्म को फैक्टर 8 के एक्टिवेटेड फॉर्म के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे में हमको दो कॉम्प्लेक्स बने हुए मिल गए, एक तो फैक्टर 9 और फैक्टर 8 के एक्टिवेटेड फॉर्म का कॉम्प्लेक्स, और दूसरा बन गया टिश्यू फैक्टर और फैक्टर 7 के एक्टिवेटेड फॉर्म का कॉम्प्लेक्स। ये दोनों के दोनों जो कॉम्प्लेक्स है वो एक ही काम करते हैं, क्या करते हैं कि वो फैक्टर 10 को जो है वो फैक्टर 10 को फैक्टर 10 के एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। अब जब ये फैक्टर 10 का एक्टिवेटेड फॉर्म बन जाता है तो वो फैक्टर 5 को उसके एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और साथ में ये फैक्टर 10 जो है ये कैल्शियम और प्लेटलेट फैक्टर्स के साथ में इन्वॉल्व होता है और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाता है, और ये इस प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर में फैक्टर 5 का जो एक्टिवेटेड फॉर्म है उसका भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो इस टाइप से इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे दोनों का यूज करके प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है। फेज 2 में यही जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो बना है वो क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है वो इन्वॉल्व रहता है। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये थ्रोम्बिन किसको कन्वर्ट करता है, फाइब्रिनोजेन जो कि ब्लड में पाया जाता है, ये सोल्यूबल फॉर्म है, ये फाइब्रिनोजेन को इनसोल्यूबल पॉलीमर मतलब कि फाइब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। साथ में अब ये फाइब्रिन बन रहे मतलब इस टाइप से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, फाइब्रिन मतलब इस टाइप से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन मैं आपको पिछले स्लाइड में बता चुका हूँ कि इस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए क्या जरूरी कि उसमें क्रॉस लिंकिंग हो जाए। तो क्रॉस लिंकिंग होने के लिए क्रॉस लिंकिंग कौन करता है, फैक्टर 13 का एक्टिवेटेड फॉर्म जो है वो क्रॉस लिंकिंग बनाता है, लेकिन ये फैक्टर 13 का जो एक्टिवेटेड फॉर्म है वो किससे बनेगा, फैक्टर 13 से बनेगा, और ये जो कन्वर्जन है इसमें किसका रोल रहता है, थ्रोम्बिन का। तो थ्रोम्बिन और साथ में कैल्शियम ये दोनों मिलके जो है फैक्टर 13 को एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और 13 का जो एक्टिवेटेड फॉर्म है वो फाइब्रिन के जो मेश बनता है उसको क्रॉस लिंक करने का काम करता है। तो जो फाइनल स्ट्रक्चर बनता है फाइब्रिन मेश का वो कुछ इस टाइप से बनता है मेश लाइक, तो इसमें क्रॉस लिंकिंग रहती है। ये जो एक लॉट है उसका आपको स्ट्रक्चर दिखा है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं देखो इसमें क्रॉस लिंकिंग एक दूसरे में फंसे हुए हैं, तो ये है आपका फाइब्रिन। ये अंदर में जो सेल दिख रही है ये रेड ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स इस टाइप से इसमें ट्रैप रहती है, तो ये एक क्लॉट का स्ट्रक्चर है, क्लॉट कुछ आपको इस टाइप से दिखेगा। और ये जो हम फैक्टर 1 2 3 4 5 6
सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व और थर्टीन, जो थर्टीन फैक्टर है वो इसकी लिस्ट है, उसमें से फैक्टर सिक्स जो है ये प्रेजेंट नहीं रहता, तो टोटल नंबर थर्टीन है बट फैक्टर कितने हैं, ट्वेल्व है। तो ये सभी के नाम है, जैसे फैक्टर फर्स्ट को क्या बोलते हैं, फाइब्रिनोजन बोलते हैं। मैक्सिमम जो है ये प्लाज्मा प्रोटीन्स है, मैक्सिमम जो है ये प्लाज्मा प्रोटीन्स है। सिर्फ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फैक्टर थ्री जो है वो एक टाइप का ग्लाइको प्रोटीन है, और ये कहाँ पे मिल रहा है आपको, टिश्यू सेल में, जो कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर को एक्टिवेट करने का काम करता है। बाकी सभी जो है आपको प्लाज्मा प्रोटीन, यहाँ पे फैक्टर फोर जो है ये कैल्शियम आयन है, इनऑर्गेनिक आयन है, बाकी ये भी प्लाज्मा प्रोटीन है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी प्लाज्मा प्रोटीन है और ये भी प्लाज्मा प्रोटीन है। मतलब सिर्फ आपको दो जगह याद रखना है कि फैक्टर थ्री जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन है और ये जो है कैल्शियम, ये इनऑर्गेनिक आयन है, बाकी पूरे के पूरे प्लाज्मा प्रोटीन ही है। इनका सोर्स तो मैक्सिमम जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो लीवर ही बनाता है, जैसे हम याद रखिए ये लीवर बनाया, ये लीवर बनाया। टिश्यू फैक्टर जो है, मतलब कि फैक्टर थ्री जो है ये टिश्यू सेल्स बनाती है, लीवर नहीं बनाता। कैल्शियम जो है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे लीवर बना रहा है, ये 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 लीवर बना रहा है और ये भी लीवर बना रहा है। मतलब मैक्सिमम जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो आपके लीवर ही सिंथेसाइज करता है। अब प्लेटलेट ने प्लग बना दिए, प्लग को फाइब्रिन ने जो है स्टेबलाइज कर दिया, क्रॉस लिंकिंग हो गई, क्लॉट जो है वो स्ट्रांग हो गया। लेकिन क्लॉट अगर वैसा का वैसा ही अगर ब्लड वेसल में रह जाए तो जो ब्लड वेसल है वो रिपेयर नहीं हो पाएगी, रिपेयर नहीं हो पाएगी, तो रिपेयरिंग होने के लिए वहां से उस क्लॉट का रिमूव होना जरूरी है, और वो जो क्लॉट का रिमूविंग वाला प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्लॉट रिट्रैक्शन बोलते हैं। अब जैसे क्लॉट रिट्रैक्शन मतलब क्या होता है, स्टेबिलाइजेस द क्लॉट, एक्टिन एंड मायोसिन इन द प्लेटलेट कॉन्ट्रैक्ट विद इन 30 to 60 मिनट, कॉन्ट्रैक्टाइल पुल्स ऑन फाइब्रिन स्ट्रैंड स्क्वीजिंग सीरम फ्रॉम द क्लॉट, ड्रॉ रप्चर्स ब्लड वेसल्स एज टूगेदर। अब इसमें सिंपल सा है कि प्लेटलेट में जो एक्टिन और मायोसिन रहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 30 मिनट से 60 मिनट के अंदर अंदर, मतलब जो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हुआ उसके बाद आधे से एक घंटे के अंदर अंदर क्या होगा कि प्लेटलेट में आपके एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट रहेंगे, वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। उस कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा कि फाइब्रिन स्ट्रैंड जो है वो एक टाइप से पुल होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसमें जो सीरम रहेगा वो उसमें से बाहर निकलना स्टार्ट होता है, जो क्लॉट होता है उसमें से सीरम बाहर निकलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड वेसल की जो एजेस रहती है वो एक्सपोज होने लगती है। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेप आती है वेसल रिपेयर। अब जो ब्लड क्लॉट था उसमें से सीरम निकल गया, सीरम कैसे निकला, तो जो प्लेटलेट में एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट थे उनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो प्लग में सीरम था वो बाहर निकल गया और जो डैमेज ब्लड वेसल थी वो एक्सपोज हो गई। अब उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो वेसल इज हीलिंग एज क्लॉट रिट्रैक्शन अकर्स। तो जैसे ही क्लॉट का रिट्रैक्शन होगा, मतलब उसमें से सीरम जो बाहर निकलेगा उसके बाद जो है वेसल की हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर जिसको कि हम PDGF भी बोलते हैं, स्टिमुलेट्स डिवीजन ऑफ स्मूथ मसल सेल एंड फाइब्रोब्लास्ट टू रीबिल्ड द ब्लड वेसल। अब प्लेटलेट के अंदर ये एक फैक्टर होता है जिसका नाम है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। ये क्या करता है कि जो स्मूथ मसल सेल्स होती है साथ में जो फाइब्रोब्लास्ट होती है ये दोनों का जो है डिवीजन को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल की वॉल जो है वो रिबिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। साथ में वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जिसको हम VEGF भी बोलते हैं, वो भी स्टिमुलेट करता है किसको, एंडोथेलियल सेल को, टू मल्टीप्लाई एंड रिस्टोर द एंडोथेलियल लाइनिंग। एंडोथेलियल सेल्स कहाँ होती है, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल में। तो ये जो VEGF जो है वो भी एंडोथेलियल सेल को स्टिमुलेट करता है टू मल्टीप्लाई एंड रिस्टोर द एंडोथेलियल लाइनिंग, इसी को हम बोलते हैं वेसल रिपेयर। तो अब जो डैमेज ब्लड वेसल है वो रिपेयर होना स्टार्ट हो गई है। उसके बाद में फाइब्रिनोलाइसिस, जैसे ही वो रिपेयरिंग वाली प्रोसेस स्टार्ट होती है उसके बाद फाइब्रिनोलाइसिस होता है।
रिमूव्स द अननीडेड क्लॉट आफ्टर हीलिंग, जब ब्लड वेसल जो एंडोथेलियल सेल्स है उसकी वो पूरी तरीके से रिपेयर हो जाती है, रिबिल्ड हो जाती है, उसके बाद जितना भी अननीडेड क्लॉट होता है वो वहां से रिमूव हो जाता है। बिगिंस, ये फाइब्रोलाइसिस कब स्टार्ट होता है, बिगिंस विद इन 2 डेज। अब ये क्लॉट जो आपको इंजरी हुई थी उसके 2 दिन के अंदर अंदर ये फाइब्रोलाइसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी एंड कंटिन्यूज फॉर सेवरल डेज, ये कई दिनों तक चलती रहती है। प्लाज्मिनोजेन इन क्लॉट इज कन्वर्टेड टू प्लाज्मिन बाय द टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर एंड फैक्टर 12 एंड थ्रोम्बिन। तो जो आपका प्लाज्मिनोजेन टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर साथ में फैक्टर 12 और थ्रोम्बिन, ये तीनों मिलके क्या करते हैं कि प्लाज्मिनोजेन जो होता है आपके क्लॉट में उसको कन्वर्ट किस में करता है, प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है। और प्लाज्मिन जो है एक एंजाइम है ना, ये क्या करता है कि ये फाइब्रिन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, मतलब जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमारे क्लॉट में था इस टाइप से उसको जो है ये डाइजेस्ट करने का काम स्टार्ट करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि क्लॉट जो है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है, रिमूव हो जाता है आफ्टर फाइब्रोलाइसिस, और जो एंडोथेलियल सेल की लाइनिंग है वो पूरी तरीके से 100% रिबिल्ड हो जाती है, मतलब टिश्यू डैमेज होने के बाद ब्लीडिंग स्टॉप भी हुई, क्लॉट भी बना, उसको स्ट्रेंथ भी मिली फाइब्रिन से, फिर ऑटोमेटिकली वो जो क्लॉट बना वो वहां से रिट्रैक्ट होना स्टार्ट हुआ, रिट्रैक्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली वो क्लॉट जो है वो डाइजेस्ट भी होने लगा, मतलब वो वहां से रिमूव भी होने लगा ताकि जो वहां पे डैमेज्ड एंडोथेलियल सेल है वो प्रॉपरली हील होना स्टार्ट हो जाए। ओके okay?